हेलो एवरीवन, तो वापस से सबका वेलकम है हमारे चैनल के ऊपर। और जैसे कि हमारा चैप्टर चल रहा था प्लांट किंगडम के अंदर हम एल्गी डिवीजन पढ़ चुके थे एंड एल्गी के बहुत सारे प्रॉपर्टीज भी कर ली थी हमने। एंड लास्ट टाइम पर हमने इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस किया था और स्पायरोगायरा स्टार्ट किया था, राइट? तो स्पायरोगायरा की हमने जितनी भी प्रॉपर्टीज थी वो पढ़ ली थी और हमें रिप्रोडक्शन से स्टार्टिंग करनी थी। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हम इसे कर चुके थे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन, जो कि बहुत ही कॉमन है एल्गीज के अंदर। और दूसरा, अब हम स्टार्ट करने वाले थे एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो आज का क्लास मैं स्टार्ट कर रही हूँ एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से। क्लियर? अब एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर हमने बात की हुई है बेसिकली कि भाई क्या कैसे होता है, बाय द हेल्प ऑफ स्पोर्स, है ना? तो स्पोर्स जो है ये हमारे पास एक ही मोटाइल स्पोर्स है और उनको हम क्या बोलते हैं, जनरली जू स्पोर्स बोलते हैं। और ये हमारे पास क्या है, मोटाइल स्पोर्स। बट याद करो, तो मैंने जब हम बात कर रहे थे एल्गीज के अंदर, जब हम उनके कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज की बात कर रहे थे, तो उसके अंदर मैंने बताया था कि जू स्पोर्स के थ्रू जो ग्रीन एल्गीज होती हैं हमारे पास, यानी जितने भी क्लोरोफाइसी के मेंबर हैं उनके पास फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। तो फ्लैजिला प्रेजेंट होता है इसका मतलब उनके पास जू स्पोर्स की फॉर्मेशन में प्रेजेंट होती है। क्लियर? तो जितने भी ग्रीन एल्गीज हैं उन सबके अंदर जू स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है। लेकिन हमारे पास अब जो हम स्पायरोगायरा पढ़ रहे हैं, स्पायरोगायरा इसका एक्सेप्शन, स्पायरोगायरा इज एन एक्सेप्शन। क्यों एक्सेप्शन है? क्योंकि इसके अंदर जू स्पोर्स की फॉर्मेशन नहीं होती। There is no formation of zoospores. यानी हमारे पास जो स्पायरोगायरा है इनके अंदर मोटाइल स्पोर्स नहीं बनती। क्लियर इतनी चीज? तो इस मोटाइल स्पोर्स, अब मोटाइल स्पोर्स को हम बोलते हैं क्या है, हम मोटाइल स्पोर्स को जू स्पोर्स बोलते हैं। तो यहाँ पर मोटाइल स्पोर्स की फॉर्मेशन नहीं होती, इसलिए स्पायरोगायरा एक ग्रीन एल्गी का एक्सेप्शन है हमारे पास। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम्स में पूछा जाने वाला, तो प्लीज इसको याद रखना। ओके, अब हम आगे चलते हैं बेसिकली। तो फिर भाई यहाँ पर बनते क्या है? तो यहाँ पर हमारे पास जो फॉर्मेशन होती है वो होती है नॉन मोटाइल स्पोर्स, नॉन मोटाइल स्पोर्स की सॉरी प्रोडक्शन होता है, जिनके थ्रू इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब यहाँ पर ए सेक्सुअल के अंदर जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारे पास ए काइनेट। ए काइनेट क्या होता है हमारे पास, ये ए सेक्सुअल स्पोर्स ही है। दीज आर ए सेक्सुअल स्पोर्स, ए सेक्सुअल स्पोर्स स्पायरोगायरा के अंदर फॉर्म होते हैं। लेकिन कब फॉर्म होते हैं? ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस। क्लियर? तो जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो उस टाइम पर ए काइनेट्स बनते हैं। अब ए काइनेट्स होते क्या हमारे पास, सपोज मेरे पास ये एक स्पायरोगायरा का फिलामेंट है। क्लियर? ये पार्टीशंस है हमारे पास इसके अंदर, न्यू सेप्टा जो है इनके अंदर। अब यहाँ पर जो भी हमारा कोई सा भी सेल जिसके अंदर एक आइनेट की फॉर्मेशन होने वाली है, ये बहुत ही थिक वॉल से सराउंड हो जाता है। क्लियर? यहाँ पर बहुत ही थिक वॉल की फॉर्मेशन हो जाती है। ये कुछ इस तरह से, सपोज करो ये भी मेरे पास एक आइनेट की तरह एक्ट कर रहा है, ये भी सेल मेरे पास एक आइनेट। जरूरी नहीं है कि एक फिलामेंट के अंदर एक ही फॉर्म होगा, मल्टीपल भी फॉर्म हो सकते हैं। तो हमारे पास ये एक आयनेट, ये भी एक आयनेट, ये बहुत ही थिक वॉल बन जाती है। व्हाट इज दिस? दिस इज थिक वॉल। क्लियर? अब इस थिक वॉल के अंदर बहुत सारा अबंडेंट फूड रिजर्व मटेरियल रहता है। क्लियर? फूड मटेरियल यहाँ पर बहुत सारा अबंडेंट पड़ा रहेगा। और फिर इन्हीं स्पोर्स को हम, सॉरी इन्हीं स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, एक आयनेट। और ये एक आयनेट है क्या हमारे पास, ये एसेक्सुअल स्पोर्स है। तो जब हमारे पास ये एक आयनेट यहाँ पर फॉर्म होते हैं और ये अच्छे खासे फूड रिजर्व बहुत अच्छा खासा इनके पास हो जाता है, फिर ये जो हमारा फिलामेंट था उससे कट ऑफ हो जाता है। क्लियर? अब यहाँ पर ये हमारे पास सराउंडिंग मीडियम के अंदर आ जाएंगे, ये थिक वॉल्ड स्पोर्स जो है। क्लियर? इनके पास जो अबंडेंट फूड रिजर्व मटेरियल है। एंड फिर उसके बाद, सॉरी, तो हमारे पास अभी ये जो फूड रिजर्व मटेरियल था ये हमारे पास इनके पास आ जाएगा जैसे ये फेवरेबल कंडीशन आएगी। अब तक का सारा काम कब हुआ, जब अनफेवरेबल कंडीशन थी, राइट? तो जैसे ही फेवरेबल कंडीशन वापस आएगी उस टाइम पर ये जो वॉल है, ये हमारे पास वॉल जो बर्स्ट जाती है यानी हट जाती है,
और फिर यहाँ से ये जो स्पोर है वो हमारे पास अच्छा खासा एक स्पाइर वगैरह का फिलामेंट प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर? अगर एग्जाम्पल की बात करना चाहें तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल दे सकते हैं स्पायरोगायरा फार्लोवाई, राइट। तो ये हमारे पास स्पायरोगायरा का एग्जाम्पल है जिसके अंदर एसेक्सुअल स्पोर्स एकाइनेट्स बन रहे हैं। इंपॉर्टेंट चीज क्या है एसेक्सुअल स्पोर्स के अंदर कि स्पायरोगायरा जो है वो एक्सेप्शन है ग्रीन एल्गी का। क्यों एक्सेप्शन है? क्योंकि इसके पास मोटाइल स्पोर्स यानी जू स्पोर्स की फॉर्मेशन नहीं होती, जबकि जितने भी ग्रीन एल्गीज हैं उन सबके पास मोटाइल स्पोर्स यानी जू स्पोर्स बनते हैं। ओके, आई होप कि सबको क्लियर हो गया होगा। ओके, अब आगे चलते हैं हम नेक्स्ट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जिसको हम बोल रहे हैं सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारे पास किसके थ्रू होती है स्पायरोगायरा के अंदर? वो होती है कॉन्जुगेशन के थ्रू। कॉन्जुगेशन हमने बैक्टीरिया के अंदर सुना होगा, यहाँ पर क्या होती है कॉन्जुगेशन ट्यूब बनती है और उस कॉन्जुगेशन ट्यूब कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू ट्रांसफर ऑफ गैमेट होता है एंड जिसके बाद फिर फर्टिलाइजेशन होती है। तो इसीलिए इस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं कॉन्जुगेशन बोलते हैं, राइट। अब यहाँ पर स्पायरोगायरा के अंदर जो कॉन्जुगेशन होती है वो जनरली दो टाइप की होती है। एक है हमारे पास स्क्लेरीफॉर्म कॉन्जुगेशन एंड दूसरी है हमारे पास लेटरल कॉन्जुगेशन। जो स्क्लेरीफॉर्म कॉन्जुगेशन है इसको कॉमन नेम हम लेडर कॉन्जुगेशन भी बोलते हैं जनरली, क्लियर। और जो हमारा लेटरल कॉन्जुगेशन है इसको हम चेन कॉन्जुगेशन भी बोलते हैं जनरली। लेटरल कॉन्जुगेशन को फर्दर हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक है डायरेक्ट कॉन्जुगेशन यानी डायरेक्ट लेटरल कॉन्जुगेशन या फिर डायरेक्ट चेन कॉन्जुगेशन एंड दूसरा हमारे पास जो है वो है इनडायरेक्ट लेटरल कॉन्जुगेशन, क्लियर। हमें टोटल बेसिकली अब तीन टाइप के पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं स्क्लेरीफॉर्म कॉन्जुगेशन से। स्क्लेरीफॉर्म कॉन्जुगेशन या फिर इसी को हम क्या बोल रहे हैं लेडर कॉन्जुगेशन। यहाँ पर लेडर से वो जो ऐसे होते हैं ना लकड़ी वाली जो लेडर होती है कुछ इस तरह से, इसको रिजेंबल करके रखना, ठीक। वैसे हम आई नो कि सबको इमेजिनेशन हो ही गया होगा। तो स्क्लेरीफॉर्म कॉन्जुगेशन जो है इसको लेटर कॉन्जुगेशन भी हम बोल रहे हैं। इसके अंदर अब एक चीज क्लियर हो रही होगी यहाँ पर कि एक ये पार्ट है और एक ये पार्ट है, राइट। तो यहाँ हमारे पास एटलीस्ट टू फिलामेंट्स ऑफ स्पायरोगायरा का इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है। टू फिलामेंट्स ऑफ स्पायरोगायरा यानी सिंगल फिलामेंट के अंदर ये नहीं होता, यहाँ पर हमारे पास एटलीस्ट टू स्पायरोगायरा के फिलामेंट्स होना जरूरी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है स्क्लेरीफॉर्म कॉन्जुगेशन की कि ये एडवांस टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन है, एडवांस्ड टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन। तो एडवांस टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन जब स्क्लेरीफॉर्म है तो ऑफकोर्स ये बात है जो लेटरल वाला होगा वो कैसा होगा प्रिमिटिव होगा, राइट। तो मैं यहाँ पर ही लिख देती हूँ इसके बारे में थोड़ा सा जनरल जो है कि लेटरल कॉन्जुगेशन को हम क्या बोलते हैं चेन कॉन्जुगेशन भी बोलते हैं और ये हमारे पास प्रिमिटिव टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन है। प्रिमिटिव टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन, टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन, क्लियर इतनी चीज। अब यहाँ पर हमारे पास जैसे स्क्लेरीफॉर्म जैसे डिफरेंस अगर आ जाए तो स्क्लेरीफॉर्म के अंदर कितने फिलामेंट्स का होना जरूरी है टू फिलामेंट्स का। तो जो लेटरल कॉन्जुगेशन है इसके अंदर सिंगल फिलामेंट के अंदर ही हमारे पास रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो जाती है सिंगल फिलामेंट। ओके, कोई दिक्कत इतने के अंदर नहीं, कोई दिक्कत। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि स्क्लेरीफॉर्म जो है ये बहुत ज्यादा देखा जाता है, मोर कॉमन है ये हमारे पास। तो ऑफकोर्स ये बात है जो लेटरल वाला होगा वो कैसा होगा मेरे पास लेस कॉमन होगा, राइट। कोई प्रॉब्लम नहीं है इतने के अंदर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं स्क्लेरीफॉर्म कॉन्जुगेशन। स्क्लेरीफॉर्म कॉन्जुगेशन के अंदर सपोज करो मेरे पास ये एक हमारा स्पायरोगायरा का फिलामेंट है और ये दूसरा स्पायरोगायरा का फिलामेंट है, राइट। अब यहाँ पर एक वर्ड आएगा जिसको हम बोलते हैं गैमेटेंजिया। आई थिंक ये वर्ड पहले भी आया है फंजाई वाले टॉपिक के अंदर। गैमेटेंजिया क्या होता है? जिसके अंदर यानी इनटू विच गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड, इनटू विच गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड, राइट। तो हमारे पास जो गैमेटेंजिया हैं उनको हम मतलब गैमेटेंजिया जिनको बोल रहे हैं जिनके अंदर गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं। तो ये मेरे पास एक स्पायरोगायरा का फिलामेंट और ये मेरे पास दूसरे स्पायरोगायरा का फिलामेंट है, राइट। अब यहाँ पर मेरे पास क्या हुआ सपोज करो इस
स्पायरोगायरा के फिलामेंट के अंदर ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो सेल है, ये भी गैमेटेंजिया की तरह एक्ट कर रहा है, और ये वाला जो पोर्शन है इसके अंदर भी मेरे पास गैमेटेंजिया यानी गैमेट्स की फॉर्मेशन हुई, तो ये भी मेरे पास गैमेटेंजिया है। अब ये जो फिलामेंट है सपोज इसके अंदर मेल सॉरी इसके अंदर मेल गैमेट की फॉर्मेशन हुई, तो इसलिए मैं इसको बोल रही हूँ मेल गैमेटेंजिया, और इसके अंदर मेरे पास फीमेल गैमेट की फॉर्मेशन हुई, तो इसलिए मैं इसको बोल रही हूँ फीमेल गैमेटेंजिया। दिस इज फीमेल गैमेटेंजिया एंड दिस इज मेल गैमेटेंजिया, राइट। अब जब ये गैमेटेंजिया फॉर्म होंगे उसके बाद क्या होगा, यहाँ मेल से फीमेल गैमेटेंजिया के बीच में एक कॉन्जुगेशन ट्यूब बनेगी। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। हमारे पास ये स्ट्रक्चर था, ये मेल फिलामेंट फीमेल फिलामेंट, यहाँ पर दोनों के बीच में मेरे पास गैमेटेंजिया की फॉर्मेशन हुई, यहाँ पे मेरे पास फीमेल गैमेट था, फीमेल गैमेटेंजिया में ये मेल फिलामेंट है, मेल गैमेटेंजिया जो था यहाँ से मूव करके आएगा इधर की तरफ। जो मेल होता है वो कैसा होता है, मोटाइल होता है, राइट। तो ये मूव करके आएगा यहाँ पर इसके पास, एंड देन यहाँ पर क्या होगा, जो दूसरा फिलामेंट था यहाँ पर इसके अंदर फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट की फॉर्मेशन हो जाएगी। यहाँ पर क्या फॉर्म हो गया मेरे पास, जाइगोट फॉर्म हो गया। ये जाइगोट जो होते हैं इसकी वॉल जो है वो चारों तरफ से थोड़ी थिक हो जाती है, तो यहाँ पर ये जाइगोट का कैरेक्टरिस्टिक कैसा है, थिक वॉल्ड जाइगोट है हमारे पास, राइट। अब ये जो जाइगोट है, ये जाइगोट फर्दर जब स्पोर्स बनाएगा तो ये स्पोर्स कैसे होंगे मेरे पास, जनरली जाइगोस्पोर्स कहलाते हैं हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर जाइगोट जो है वो स्पोर फॉर्मेशन कर रहा है, इसीलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, जाइगोस्पोर्स बोल रहे हैं, राइट। तो अब यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में बताया कि भाई जो स्पायरोगायरा है वो कैसी प्लॉइडी शो करता है, हैप्लॉइड, तो यानी यहाँ पर ये जो जाइगोस्पोर्स हैं वो कैसे फॉर्म होंगे मेरे पास, मेयोसिस करके फॉर्म होंगे। कोई दिक्कत इतने के अंदर, पूरा प्रोसेस समझ में आ गया, एक मेल गैमेटेंजिया सॉरी एक मेल फिलामेंट एक फीमेल फिलामेंट, मेल गैमेटेंजिया फॉर्म हुआ यानी मेल गैमेट के अंदर सॉरी मेल गैमेटेंजिया में फॉर्म हुआ, फीमेल गैमेट फीमेल गैमेटेंजिया में फॉर्म हुआ, फिर कॉन्जुगेशन ट्यूब बनी दोनों के बीच में, मेल गैमेट मूव करके फीमेल के पास गया, दोनों की फर्टिलाइजेशन हुई, फर्टिलाइजेशन होने के बाद एक थिक वॉल जाइगोट बना, फिर वो जाइगोट फर्दर डिवाइड करता है मियोसिस करके एंड जाइगोस्पोर्स बनाएगा, एंड फिर जो जाइगोस्पोर बनेंगे वो जाइगोस्पोर एक अच्छा खासा स्पायरोगायरा का फिलामेंट फॉर्म कर देगा। क्लियर इतनी चीजों को, दिक्कत इतने के अंदर, नहीं को दिक्कत। अब यहाँ पर हमारे पास कॉमन सेंस लगाओ तो मेल जो गैमेट है हमारे पास वो कैसा है, मेल मोटाइल है, बट जो फीमेल है वो तो मोटाइल नहीं है, फीमेल इज नॉन मोटाइल, राइट। बट स्ट्रक्चर के अंदर मतलब फॉर्म दोनों एक ही जैसे हो रहे हैं ना, तो इसीलिए जो यहाँ पे हमारे पास रिप्रोडक्शन हुआ वो हमारे पास क्या बोलते हैं इसको हम, कि फिजियोलॉजिकली अनाइसोगैमस है, एक मोटाइल एक नॉन मोटाइल, तो फिजियोलॉजिकली अनाइसोगैमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है, लेकिन दिखने में दोनों सिमिलर है हमारे पास, तो इसीलिए मॉर्फोलॉजिकली ये सिमिलर है हमारे पास, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, क्लियर। अब यहाँ पर हमारे पास ना मैंने एक फिलामेंट जो बनाया और दूसरा फिलामेंट जो बनाया, इसके अंदर मैंने बोला कि भाई एक सेल जो है इसके अंदर गैमेटेंजिया फॉर्म हुआ, दूसरे के अंदर गैमेटेंजिया फॉर्म हुआ, यहाँ से कॉन्जुगेशन ट्यूब बनकर यहाँ पर चली गई। ऐसा नहीं होता, जरूरी नहीं कि भाई एक ही बने, जैसे पीछे मैंने एक आयनिट्स के अंदर बताया था कि एक फिलामेंट के अंदर मल्टीपल एक आयनिट्स स्पोर्स भी बन सकते हैं, तो उसी तरह से यहाँ पर हमारे पास जो एक फिलामेंट है उसके अंदर मल्टीपल जो स्पायरोगायरा के जो सेल्स होते हैं वो मल्टीपल गैमेटेंजिया फॉर्म कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये भी एक कॉन्जुगेशन ट्यूब बनेगी, फिर यहाँ पर एक और कॉन्जुगेशन ट्यूब बनेगी, तो यहाँ पर ध्यान से देखो तो ये लेडर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, तो इस प्लेस क्लैरिफॉर्म जो है इसको हम लेडर कॉन्जुगेशन भी बोलते हैं, राइट। अब समझ में आया बेसिकली कि भाई इसको लेडर कॉन्जुगेशन क्यों बोल रहे, भाई एडवांस टाइप है, दो फिलामेंट्स इन्वॉल्व है, लेटर लाइक स्ट्रक्चर बनता है क्योंकि मल्टीपल गैमेटेंजिया फॉर्म हो सकता है, इसीलिए लेटर कॉन्जुगेशन बोलेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट रह रहा है वो ले रहा है लेटर कॉन्जुगेशन, तो यहाँ पर पहले मैं लिख देती हूँ कि ये हमारे पास है क्या, ये हमारे पास है लेडर कॉन्जुगेशन, लेडर
कॉन्जुगेशन, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर फिर हम लेटरल कॉन्जुगेशन की बात करेंगे। लेटरल कॉन्जुगेशन हमारा लास्ट है, उसके बाद स्पाइरो गायरा हमारा फिनिश है। ओके, थैंक यू।